अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि सेकेंड टर्म अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ चुके हैं। अब चलिए आज हम लोग थर्ड टर्म की तालीम शुरू करेंगे और जहन नशीन होकर पढ़ेंगे। बच्चों ये सबक नंबर बारह है। देखिए ये है अंडा, अलिफ नून डाल अलिफ अंडा। क्या है ये? अंडा। अंडा किसको बोलते हैं आप लोगों को तो मालूम है। हाँ चलिए, मुर्गी एक चिड़िया है, मोर एक चिड़िया है, हुद हुद भी एक चिड़िया है, हर चिड़िया अंडे देती है, अंडा गोल होता है, अंडा उबाल कर खाया जाता है, तुमने भी अंडा खाया होगा, जो अंडा तुम खाते हो वो मुर्गी का अंडा होता है, रानी एक औरत है, इसका रंग साफ है, वो घर का सारा काम करती है, वो सिर्फ नाम की रानी है, इसका एक लड़का है, एक लड़की है, लड़का बड़ा है, लड़की छोटी है, वो दोनों को रोज़ाना अंडा खिलाती है ताकि दोनों बच्चे सेहतमंद रहें। आप भी सेहतमंद रहने के लिए अंडा खाएं। बच्चों मुर्गी एक चिड़िया है, मीन्स मुर्गी क्या है? एक बर्ड है। क्या है? मुर्गी भी क्या है? एक बर्ड है। बास बर्ड्स क्या करते हैं? उड़ते हैं, लेकिन मुर्गी उड़ नहीं सकती क्योंकि इसकी बॉडी हैवी रहती, इसलिए उन्हें उड़ नहीं सकती, नीचे ज़मीन पर ही रहती। मोर एक चिड़िया है, मोर भी क्या है? एक बर्ड है, वो भी आसमान में नहीं उड़ती, दूसरे जैसा कि पिजियन, दूसरे उड़ते ना कौवा चिड़िया वगैरह उड़ सकते ना कबूतर वगैरह, वो मोर नहीं उड़ सकती, ज़मीन पर ही रहती। मोर भी एक चिड़िया है, हुदहुद भी एक चिड़िया है, हुदहुद भी एक चिड़िया, ये चिड़ी का नाम आप लोग पहली बार सुन रहे, ये भी चिड़िया उड़ती और ज़मीन पर नहीं रहती, ये उड़ती रहती आसमान पर भी उड़ती रहती, उन्हें उड़ने वाली चिड़िया है ये। हुदहुद भी एक चिड़िया है, क्या है? ये भी एक चिड़िया है। हर चिड़िया अंडे देती है, हर चिड़िया क्या कहती है? हर बर्ड्स क्या देते हैं? एग्स देते हैं ना, तो अंडे देते हैं, हर चिड़िया बर्ड्स देती है, जैसा कि मोर है, बतख है, ये सब जने अंडे देते हैं, तो क्या है? बर्ड्स क्या देते हैं? अंडे देते हैं। अंडा गोल होता है, अंडा कैसा होता है? राउंड शेप में होता है। कैसा होता है अंडा? गोल शेप में होता है ना, राउंड शेप में होता है। अंडे उबाल कर खाया जाता है, अंडों को क्या कहते हैं? बाज लोग को बॉयल एग पसंद आता, बाज लोगों को फ्राई एग भी पसंद आता, अंडा खाना सेहत के लिए अच्छी चीज़ है, तुमने भी अंडा खाया होगा, आप मतलब कि आप लोग भी अंडा खाए होंगे, पूछ रहे हो, जो अंडा तुम खाते हो वो मुर्गी का अंडा होता है। मोस्टली अंडे देते बर्ड्स, लेकिन अपन सब बर्ड्स के अंडे नहीं खा सकते, सिर्फ हम किसके खाते हैं? सिर्फ मुर्गी के अंडे खाते अपन लोग, किसके अंडे खाते अपन लोग? मुर्गी के अंडे खाते। रानी एक औरत है, रानी क्या है? एक लेडी है, औरत है मतलब कि औरत है, रानी क्या है? एक औरत है, इसका रंग साफ है, इन्हें फेयर कलर की है, साफ रंग है मीन्स फेयर कलर की है, क्या उन्हें? फेयर कलर की रानी है, लेकिन उन्हें उसका रंग फेयर है। वो घर का सारा काम करती है, क्या करती है? उन्हें घर का सारा काम करती है, अपना पूरा घर का काम सारा काम करती है, वो सिर्फ नाम की रानी है, मीन्स रानियाँ काम नहीं करते, कोई नहीं करते ना, रानी लोग काम नहीं करते, तो ये रानी क्या करती? घर का पूरा काम करती है, सिर्फ नाम की रानी, मीन्स उसका नाम रानी है, लेकिन उन्हें काम अपना पूरा करती। इसका एक लड़का है, एक लड़का मीन्स उसको एक बॉय है, एक लड़का है, एक लड़की है, क्या है? एक लड़की मीन्स गर्ल है, एक लड़की है उसको, लड़का बड़ा है मीन्स लड़का क्या है? बड़ा है। लड़की छोटी है, लड़की क्या है? छोटी है, वो दोनों को रोज़ आना अंडा खिलाती है, क्या करती? रोज़ उन्हें बच्चों को अपने अंडे खिलाती ताकि बच्चे सेहतमंद रहना, हेल्थी रहना बोल के, ताकि वो दोनों बच्चे सेहतमंद रहें, सेहतमंद हेल्थ अच्छी रहना बोलते ना, जैसे हेल्थी बोलते ना वैसा, तो उन्हें रोज़ क्या करती? अपने बच्चों को रोज़ बॉयल्ड एग खिलाती है।
आप भी सेहतमंद रहने के लिए अंडे खाएं। आप लोग भी क्या करना, अपनी हेल्थ अच्छे रहने के लिए अपन क्या खाना, रोज़ एक बॉयल एग भी खा सकते हैं या फ्राई एग भी खा सकते हैं, मगर अंडा खाना सेहत के लिए अच्छा रहता। अंडे खाने से अपनी बॉडी में एनर्जी भी रहती है और हेल्थ भी अच्छी रहती। चलिए, मुर्गी एक चिड़िया है, मोर एक चिड़िया है, हुदहुद भी एक चिड़िया है, हर चिड़िया अंडे देती है, अंडा गोल होता है, अंडा उबाल कर खाया जाता है। तुमने भी अंडा खाया होगा, जो अंडा तुम खाते हो वो मुर्गी का अंडा होता है। रानी एक औरत है, इसका रंग साफ है, वो घर का सारा काम करती है, वो सिर्फ नाम की रानी है। इसका एक लड़का है, एक लड़की है, लड़का बड़ा है, लड़की छोटी है, वो दोनों को रोज़ आना अंडा खिलाती है ताकि दोनों बच्चे सेहतमंद रहें। आप भी सेहतमंद रहने के लिए अंडे खाएं। बच्चों, ये मोर अंडा है, मोर का अंडा है, ये जो है सर मुर्गी का अंडा है। आप लोग भी रोज़ अंडा खाना, अंडा खाने से विटामिन डी आता है, अपने बॉडी में एनर्जी भी आती है। और आप लोग स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स तो रोज़ एक बॉयल एग खाना ज़रूरी है, हेल्थ अच्छी रहती है उससे खाने से। चलिए, आप लोग ये पूरी रीडिंग करेंगे अच्छी तरीके से और आप लोग मेरे को वॉइस मैसेज भी भेजेंगे। बच्चों, आप लोगों की नोटबुक निकालिए और नोटबुक के अंदर इस तरीके से लिखेंगे, थ टम बोल के लिखेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे पेंच और ऐसा लिखेंगे थ टम बोल के। चलिए, सबक नंबर 12, अंडा। मुश्किल अल्फाज है ये हार्ड वर्ड्स है। चलिए, ये क्या है, फर्स्ट वन मुर्गी, क्या है ये मुर्गी, मीम रे मुर गेंदे घी, क्या है ये मुर्गी। ये क्या है, सेकेंड वन अंडा, अलीफ नून डाल अलीफ, क्या है ये अंडा। थर्ड वन रेलिवरा नून ये नी, क्या है ये रानी। ये क्या है, फोर्थ वन सेहत, स्वाद है ते मीम नून दाल, क्या है सेहतमंद, क्या है ये सेहतमंद, ये स्वाद है ते मीम नून दाल, क्या है ये सेहतमंद। ये क्या है लड़का, फिफ्थ वन लामे लड़का फलिफ का, क्या है ये लड़का। सिक्स्थ वन चिड़िया, चीमरे चिड़ ये लिफिया, क्या है ये चिड़िया। ये क्या है गोल, गाफ वाव लाम गोल, गाफ वाव लाम गोल। औरत एनवा औरत, क्या है ये औरत। एट्थ वन औरत है। नाइन्थ वन क्या है छोटी, चीम दो चश्माला हे वाव छोटे ये टी, क्या ये छोटी। क्या है टेंथ वन लड़की, लामे लड़ काफी की, क्या है लड़की। चलिए, मुर्गी अंडा रानी सेहतमंद लड़का चिड़िया गोल औरत छोटी लड़की, ये हार्ड वर्ड्स आप लोग लिखेंगे नीट हैंडराइटिंग में और मेरे को पोस्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।